खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाएं और हमारे R9 टीवी को सब्सक्राइब करें। तो NRC और CAA को लेकर के पूरे देश में हंगामा है, मगर आज जुमे की नमाज उत्तर प्रदेश से लेकर के देश के अलग अलग हिस्सों में शांतिपूर्वक तरीके से अदा की गई। तमाम जिलों में प्रशासन अलर्ट रहा, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात रही। सुरक्षा को लेकर के पुलिस ने जगह जगह फ्लैग मार्च किया। एहतियात के तौर पर लखनऊ समेत प्रदेश के 20 से ज्यादा जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई ताकि किसी किस्म की कोई अनहोनी ना हो सके। उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन इस बार पिछली बार की गलतियों से सीखते हुए कुछ ज्यादा ही सतर्क नजर आया। चाहे उत्तर प्रदेश का लखनऊ का इलाका हो, गोरखपुर हो, सहारनपुर हो, सुल्तानपुर हो, हापुड़ हो या फिर बिजनौर, हर जगह जुमे की नमाज से पहले बल्कि सुबह से ही सुरक्षा व्यवस्था के सख्त इंतजाम थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा था और ऐसी स्थिति में आज जब नमाज अदा करने के लिए लोग घरों से निकले तो पूरे तौर पर पुलिस मुस्तैद थी और यही वजह रही कि नमाज अदा करने के बाद में लोग हंगामा नहीं कर सके या फिर लोगों ने शांतिपूर्वक तरीके से जुमे की नमाज अदा की और उसके बाद अपने घरों को गए। हालांकि इस बीच में कुछ जगहों पर विरोध प्रदर्शन जरूर हुआ, मगर लोगों ने शांतिपूर्वक तरीके से अपना विरोध जताया, किसी किस्म का उपद्रव नहीं रहा। ये गाजियाबाद से लेकर के गोरखपुर तक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, रामपुर, संभल, लखीमपुर खीरी, ये तमाम वो जगह हैं जहां पर लोगों ने शांति की मिसाल कायम की। हालांकि इन तमाम चीज़ों के बीच में सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर और सख्त बनाने की कोशिश और कवायद पिछले दो दिनों से उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन कर रहे थे और ऐसे में आज उसका असर ज़मीनी स्तर पर भी दिखा है। इस बीच में उत्तर प्रदेश के मुखिया पुलिस के OP सिंह क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। देखिए, पूरे प्रदेश में पिछले चार दिनों से पूरी शांति है और लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी मेंटेन्ड है, लेकिन फिर भी हमने स्ट्रैटेजिक डिप्लॉयमेंट अपनी फोर्स का कर रखा है उन सभी संवेदनशील स्थानों में जहां पिछली शुक्रवार को कुछ हिंसात्मक कार्रवाइयां हुई थीं। उन समों पर हमारी नज़र है, उन समों पर हम पेट्रोलिंग, इंटेंसिव पेट्रोलिंग कर रहे हैं, हम स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग कर रहे हैं लोगों की एक्टिविटीज़ को, सोशल मीडिया पर हमारी नज़र है और साथ ही साथ हम चाहेंगे कि आज के जुमे की नमाज़ सकुशल निपट जाए और अदा हो जाए।